कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड स्केड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये toppers आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी book follow करनी है, कौन सा chapter पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है और मैंने CLAT PG 2022 की परीक्षा में AIR 1 rank प्राप्त की है. आज Delhi Knowledge Track के माध्यम से मैं आप सभी के साथ अपनी स्ट्रैटेजी इस एग्ज़ाम के संबंध में शेयर करूंगी। और ये स्ट्रैटेजी शेयर करने से पहले मैं अपने बारे में भी कुछ बताना चाहती हूँ। मैं लखनऊ में रहती हूँ और लखनऊ में रहने से पहले मेरा परिवार बस्ती से संबंध रखता है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और लखनऊ से ही मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की है। पहले मैंने अपना स्कूल केंद्रीय विद्यालय अलीगंज से किया, जहाँ पर मैंने 12th पास किया और मैं PCM स्टूडेंट थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की। लेकिन फिर मैंने लॉ में करियर बनाने का सोचा। मैंने IIT JEE जैसी परीक्षाएं भी दी, लेकिन मुझे शुरू से लगा कि मैं लॉ करना चाहती हूँ। स्कूल में मैं डिबेट कंपटीशन, यूथ पार्लियामेंट, इन सब चीज़ों में रुचि रखती थी और मुझे सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स अच्छे लगते थे। और अपने पिताजी को देख के मुझे लगा कि मुझे लॉ में करियर बनाना है, इसलिए फिर मैंने CLAT की UG परीक्षा दी थी 2016 में। और तब मुझे अच्छी रैंक नहीं मिल पाई, जिसके कारण मुझे कोई अच्छा NLU नहीं मिल रहा था। फिर मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि आप लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर सकती हैं, जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की है। इससे मुझे कई एडवांटेज मिले कि मैं घर पर रह के पढ़ाई कर सकती थी और मुझे बाहर नहीं जाना पड़ा। बाहर के जो नई जगह पे जाके जैसे चीज़ें आती हैं उनको फेस नहीं करना पड़ा और घर के आराम में मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाई। लखनऊ विश्वविद्यालय से 2020 में LLB पास करने के बाद मैंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से LLM किया और उसमें मेरा स्पेशलाइजेशन था कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और BHU का भी जो पढ़ाई थी वो मैं लखनऊ से ही कर ली, क्योंकि आपको पता है कि 2020 में COVID-19 की पैंडेमिक आई थी और इसलिए सभी क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी। तो उस कारण मैंने अपनी LLM की पढ़ाई भी लखनऊ में रहकर ही की है। और इसके पश्चात मैं आपको ये बताना भी आवश्यक समझती हूँ कि मैंने ये CLAT PG की परीक्षा 2021 में भी दी थी और जिसमें मुझे AIR 138 मिली थी जनरल कैटेगरी में और EWS कैटेगरी में मेरी 7th रैंक आई थी। वो परीक्षा देने के बाद मुझे लगा कि अगर मैं एक बार पुनः प्रयास करूँगी तो मुझे बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, और इसलिए मैंने ये परीक्षा इस वर्ष फिर से दी। स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं इस एग्ज़ाम के बारे में आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना भी आवश्यक समझती हूँ। CLAT PG की परीक्षा CLAT कंसोर्शियम कंडक्ट कराता है, जो कि भारत के जितने भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एक बॉडी है। और इस परीक्षा के दो पर्पज़ हैं। पहला जो मूल पर्पज़ है, जो मूल का इसका लक्ष्य है, वो है LLM में एडमिशन। अगर किसी को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में LLM करना है तो उन्हें ये परीक्षा देनी होती है। परंतु मैंने अपना LLM पहले ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से कंप्लीट कर लिया था और मैंने ये परीक्षा इसलिए दी क्योंकि इस परीक्षा के माध्यम से आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जैसे कि ONGC, PGCIL और NTPC, इनमें नौकरी का एक मौका अवसर पा सकते हैं। और इसके लिए डायरेक्टली आपको नहीं कॉल करेंगे, इसके स्कोर के आधार पर, आपके CLAT के स्कोर के आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और फिर आप उस नौकरी को प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऐसी भी हैं जो इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करती हैं और डायरेक्टली स्कोर के हिसाब से ही आपको नौकरी देती हैं। तो इस एग्ज़ाम के ये दो पर्पसेस हैं। अब अगर हम इस एग्ज़ाम के पैटर्न की और सिलेबस की बात करें तो मूलतः इसके सिलेबस में आपके वही विषय आते हैं जो आपने अपने LLB में पढ़े हुए हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट लॉ एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी लॉ एंड अदर देन दैट IPR और इंटरनेशनल लॉ और ऐसे ही सभी दूसरे विषय।
इस परीक्षा के लिए आपको विशेष जानकारी या विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आपने अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई में इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ा है। इस एग्ज़ाम का पैटर्न दूसरे लॉ एग्ज़ाम से थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके जजमेंट्स पे स्पेशल एम्फोसिस रहता है और साथ ही आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड को चेक किया जाता है। तो अगर किसी को क्लैट पीजी की परीक्षा देनी है तो उन्हें लॉ का बेसिक नॉलेज होना आवश्यक है जो उन्होंने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में पढ़ा है, साथ ही उन्हें जजमेंट्स पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लैट पीजी में आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है जिसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना होता है, और ये 120 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड होते हैं। तो 20 पैसेजेस पढ़ के आपको 120 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और 2 घंटे का समय है और इस समय में आपको वो सारे पैसेजेस पढ़ने हैं। अब मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल में बताती हूँ। तो चूँकि मैंने ये परीक्षा 2021 में दी थी और तब मुझे थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मिला था, तो मैंने उसके आधार पर ही इस बार अपनी परीक्षा की तैयारी किया है, उनमें सुधार किया जाए। एक और बात यहाँ पर बताने योग्य है कि मेरी ही क्लास की मेरी मित्र मुस्कान अग्रवाल का पिछले साल की परीक्षा में AIR 7 आया था, तो उनको देखकर भी मुझे लगा कि ये परीक्षा मैं कर सकती हूँ। अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताने से पहले 2 बातें बताना बहुत ही आवश्यक है कि 2021 में जो मैंने परीक्षा दी थी और उससे जो पॉजिटिव रिजल्ट्स मुझे मिले थे, मैंने उसके आधार पर ही इस बार की परीक्षा की तैयारी की थी और इस बार मैंने इस परीक्षा की तैयारी में अधिक समय दिया। पिछली बार मैंने ये परीक्षा मात्र 1 महीने की तैयारी में दी थी, इस बार मैंने थोड़ा थोड़ा करके 3 महीने तक इसकी तैयारी की थी। साथ ही मैं सिर्फ क्लैट पीजी की तैयारी नहीं कर रही थी, मैं और भी कई गवर्नमेंट लॉ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी, तो उसका भी मुझे इसमें काफ़ी फ़ायदा मिला। और मैंने, अगर मैं विषयवार बताऊं, तो हर विषय के लिए मेरी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी थी। मैंने सब्जेक्ट्स को 3 कैटेगरीज में बांटा। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि क्लैट कंसोर्शियम की वेबसाइट खुद बताती है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। दूसरा, ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि किसी इनैक्टमेंट पे बेस्ड हैं, जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या IPR के कई सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन उसके विषय में मैंने दूसरी स्ट्रैटेजी ली। तीसरी कैटेगरी ये थी जो सब्जेक्ट्स काफ़ी इवॉल्विंग हैं, जिनमें रोज़ नए डेवलपमेंट होते जा रहे हैं और वो इतने डायनेमिक हैं, उनको कम समय में कवर करना थोड़ा मुश्किल है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए एक तो आपकी बैराक पे पकड़ होनी चाहिए, आपको उसके जो लैंडमार्क केस लॉज हैं पता होने चाहिए। तो चूँकि मैं दूसरी परीक्षाओं के लिए भी तैयारी कर रही थी, तो मुझे ये थोड़ा थोड़ा आता था। और इस एग्ज़ाम के समय के लिए मैंने क्या किया कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जो पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें सीरीज़ ऑफ प्रेसिडेंट्स आते हैं, जैसे कि आर्टिकल 21, वहाँ पे जजमेंट्स के थ्रू बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, या फिर जैसे कि अमेंडमेंट का प्रोसीजर, कब अमेंडमेंट की कितनी पावर्स थी पार्लियामेंट के पास, कैसे कैसे वो चेंज हुई, क्या उस पर जजमेंट्स आए, उसमें भी एक सीरीज़ ऑफ जजमेंट्स आपको मिलेंगे। सिमिलरली आपको डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी के ऊपर भी बहुत सारे केसेस मिलेंगे जिनसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। तो ऐसे टॉपिक्स जहाँ पे ऐसे सीरीज़ ऑफ प्रेसिडेंट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में मिलते हैं, उन पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, और मैंने भी ऐसे ही किया था। दूसरे थे इनैक्टमेंट्स। तो इनैक्टमेंट्स के लिए मैंने, या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि इनैक्टमेंट पे बेस्ड सब्जेक्ट्स थे, उनके लिए मैंने बैर एक्ट्स पढ़े। और बैर एक्ट्स के साथ ही साथ जो ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में पढ़ाए ही जाते हैं, जैसे कि अगर आप पार्ट परफॉर्मेंस पढ़ रहे हैं तो आपको अघोर कुमार गांगुली का केस पता ही होगा, तो या आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको लालमन शुक्ला का केस पता ही होगा। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए मैंने इन सब्जेक्ट्स को कवर किया। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो इवॉल्व होते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा डायनेमिक हैं, उनको मैंने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा। मैंने सिर्फ उन पे जजमेंट्स पे ही काम किया और उन जजमेंट्स के आधार पर मुझे जो प्रोविजंस लगे कि रिसेंटली डिस्कस्ड हुए हैं या रिसेंटली वो डिबेट में रहे हैं, नेशनल टॉपिक बने हैं, उनको, सिर्फ उन प्रोविजंस को ही ध्यान से पढ़ा। इसके अलावा जजमेंट्स की भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंस है। तो जजमेंट्स, आप लैंडमार्क जजमेंट्स तो आप सब्जेक्ट्स के साथ ही कवर कर लेंगे, लेकिन रीसेंट जजमेंट्स और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो पैसेजेस आते हैं वो रीसेंट जजमेंट्स पे ज़्यादा बेस्ड होते हैं और उन पैसेजेस में ही आपसे कभी कभी लैंडमार्क जजमेंट्स भी पूछ लिए जाते हैं। रीसेंट जजमेंट्स कवर करने के लिए मैंने लाइव लॉ नाम की यूट्यूब चैनल का उपयोग किया और उसमें मैंने कुछ
वीकली राउंड अप्स, ईयरली राउंड अप्स जैसे वीडियोज़ थे जिनका उपयोग किया और कुछ जजमेंट्स छांटे कि कौन से जजमेंट्स ऐसे हैं जो अधिक डिस्कशन में रहे हैं, जिनमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी हो या जिसमें किसी इनैक्टमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डिस्कस की गई हो, या फिर ऐसे जिसमें कोई ऐसा ज्यूरिसप्रूडेंस डेवलप हुआ जो अभी तक डिस्कस नहीं किया गया है, या फिर ऐसे कोई केस जो कि नेशनली डिस्कस की गई हो, जैसे कि सेडिशन का केस अभी रिसेंटली आया जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन के प्रोविजंस को कुछ टाइम के लिए स्टे कर दिया है, तो उसके बारे में ऐसे जजमेंट्स के ऊपर मैंने विशेष कर ध्यान दिया और एक लिस्ट बनाई कि मुझे सिर्फ इतने ही जजमेंट्स पढ़ने हैं क्योंकि मेरे पास सीमित समय था और मुझे उतने में ही सब कुछ कवर करना था। तो मैंने कुछ 60 जजमेंट्स की लिस्ट बनाई थी और उन जजमेंट्स को पढ़ा। और जजमेंट्स पढ़ने की भी एक टेक्निक है जो कि आपको ज़्यादातर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में सिखाई जाती है और आप उसको उसी तरह पढ़ें जैसे कि अगर आप कोई जजमेंट पढ़ रहे हैं तो आपको इशू इन्वॉल्व समझना है उसका, क्या पार्टीज़ क्या उसके प्रिंसिपल फैक्ट्स हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि वो किस केस की बात कर रहे हैं, और उसके बाद आपको क्या कोर्ट ने किन किन जजमेंट्स को रिलाई किया अपने एनालिसिस में और फिर फाइनल ओपिनियन क्या दिया, और साथ ही साथ यदि किसी जज ने उसमें डिसेंट दिया है, डिसेंटिंग ओपिनियन दिया है, तो वो भी याद रखना आवश्यक होता है। बेंच का भी इम्पॉर्टेंस है, लेकिन बेंच मुझे लगा कि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं 60 केसेस की बेंच याद कर पाऊँ और उससे कुछ ही क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, तो यदि वो आते हैं तो मैं उतना रिस्क लेकर चली और मैंने वो बेंचेस नहीं याद किए, लेकिन हाँ बाकी मैंने एनालिसिस पूरा कंप्लीट किया और उनके शॉर्ट नोट्स बनाए। और ये जजमेंट का जो मैंने काम किया इस पर अधिक समय दिया है, जब 3 महीने पहले मैंने इसकी तैयारी शुरू की तो मैंने रोज़ के दिन में 2 घंटे का समय फिक्स किया कि हाँ मुझे इस समय अपने जजमेंट्स कवर करने हैं, क्योंकि बाकी जो विषय सब्जेक्ट्स थे वो मैं दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ ही रही थी, जिसका मुझे लाभ मिला। जब परीक्षा का डेट अनाउंस हो गया था और कुछ समय ही बाकी था तो मैंने कुछ 1 महीने पहले अपने रिविजन को और अच्छा किया और जो जजमेंट्स मैं पढ़ चुकी थी, अपने नोट्स जो मैं फ्रेम कर चुकी थी, उनको मैंने रिवाइज़ किया और इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करना और उसको प्रेपरेशन रखना, ये सब इम्पॉर्टेंट है, पर साथ ही साथ जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंटर करें तो वहाँ पर भी आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, क्या माइंडसेट लेके जाएंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने जब 2021 में परीक्षा दी थी तो मुझे जो नुकसान हुआ वो इसी कारण हुआ क्योंकि मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में प्रिपेयर्ड नहीं थी। मैं जल्दी जल्दी करने के चक्कर में मेरे कुछ क्वेश्चंस छूट गए, कुछ पैसेजेस मैंने अच्छे से नहीं पढ़े, जिसका मुझे नुकसान हुआ। तो इस बार जब मैं परीक्षा देने गई तो मैंने पहले ही सोचा कि जब मुझे 120 मिनट का समय मिला हुआ है तो मुझे 80 मिनट में एक बार अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है और फिर उसमें जो जो क्वेश्चंस मुझे आते हैं उनको पहले सॉल्व कर लेना है, जो मुझे नहीं आते हैं वो मैं बाद में सॉल्व करूँगी। ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए काफ़ी वर्क की और मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन मार्क नहीं किए जो मुझे पूर्णतः आते थे, मैंने कुछ एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू कैलकुलेटेड रिस्क भी लिए और जिनका मुझे थोड़ा फ़ायदा भी मिला है। किसी भी परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज़ या मॉक सीरीज़ की अपनी इम्पॉर्टेंस होती है, लेकिन क्लैट पीजी की परीक्षा का पैटर्न अभी ही चेंज हुआ है 2020 से, इसलिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट टेस्ट सीरीज़ या मॉक सीरीज़ आपको नहीं मिलेंगी, इसलिए आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको ही आप अपनी गीता समझें और उनका अच्छे से अध्ययन करें, जिसके थ्रू आपको पैटर्न समझ में आए और स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन समझ में आए। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि आप अगर उन प्रीवियस ईयर पेपर्स को ध्यान में रखते हैं या किसी भी दूसरी परीक्षा किसी भी दूसरे पेपर्स के थ्रू आप देखते हैं कि आप क्वेश्चन समय में सॉल्व कर पा रहे हैं, पैसेजेस पढ़ पा रहे हैं, तो आपकी तैयारी पूरी है। और अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं मिल पाती है तो आप परेशान ना हों और जो आपकी तैयारी है, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, उनका पूरा उपयोग करें। एग्ज़ाम के दौरान सब बच्चों का पढ़ने का कुछ रूटीन भी होता है, तो मैंने इस परीक्षा के दौरान या अपने सभी परीक्षाओं या कुछ अपनी पढ़ाई के लिए मैंने एक रूटीन चुना है। कुछ बच्चों का समय होता है कि वो रात को अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं और कुछ बच्चे दिन में अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं। मैंने पाया कि मैं रात में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, तो मैंने अपने दिन के समय का ही उपयोग किया और मुझे कई एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी थी, इसलिए मैंने क्लैट पीजी के लिए फ़िक्स आवर्स ही यूज़ किए और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए टाइम यूटिलाइज़ किया। तो आप डेली रूटीन को लेकर कभी परेशान ना हो, जो आपके लिए कम्फर्टेबल हो वो आप फॉलो करें, लेकिन हाँ पढ़ाई नियमित करते रहें। अगर हम
किसी एग्ज़ाम या कि कोचिंग की बात करें तो मुझे लगता है कोचिंग से अधिक इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास कोई मेंटोर हो। अगर वो मेंटोर आपको कोचिंग के बाहर मिल जाए तो अच्छा, कोचिंग के अंदर मिले तो भी अच्छा, तो मेंटोर होना आवश्यक है। और मुझे लगता है कि हर बच्चे को हर टाइम पे किसी ना किसी मेंटोर की देखरेख में रहना चाहिए। और इस परीक्षा के दौरान मुझे सिर्फ अपनी 3 महीने की पढ़ाई का ही फ़ायदा नहीं मिला है, बल्कि जो मैंने पढ़ाई अपने अंडर ग्रेजुएट में की है उसका भी मुझे फ़ायदा मिला, जो पोस्ट ग्रेजुएट में की है उसका भी फ़ायदा मिला, और कुछ समय मैंने कोचिंग में ज्वाइन की उसका भी मुझे फ़ायदा मिला। तो इन सभी का मुझे क्यूमुलेटिव रिज़ल्ट मिला है और इसके लिए मैं उन सभी लोग का धन्यवाद देना चाहती हूँ। और कोचिंग यदि आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये परीक्षा बिना कोचिंग के भी आप क्रैक कर सकते हैं। आखिरी में मैं बस यही कहूँगी कि ये जो परीक्षा है ये आपके रिसर्च एप्टीट्यूड को टेस्ट करे, नॉलेज को चेक करे, इस सबसे अधिक वो आपके टाइम मैनेजमेंट, प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपके कॉन्फिडेंस को भी टेस्ट करती है। तो यदि आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप कभी ये सोच के ना घबराएं कि पैटर्न बहुत डिफ़िकल्ट है या इतने जजमेंट्स पढ़ना बहुत ही मुश्किल है या मेरे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है कि मैं जजमेंट्स पढ़ पाऊँ या मेरे पास नोट्स नहीं हैं। जो आपके पास है उसका पूरा उपयोग करें और अपनी तैयारी, अपने हार्डवर्क पे बिलीव करें और अपने कार्य पर लगे रहें। कभी अगर आपका कुछ समय व्यर्थ हो जाए तो आप उसको सोचकर गिल्ट में ना रहें और आगे के समय को यूटिलाइज करें। और इसके साथ ही मैं आपको, अगर आप 2023 की परीक्षा देने जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। धन्यवाद।